तो दोस्तों देखिए, दो तीन दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था भारतीय नौसेना की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि भारतीय नौसेना के लिए आने वाले कुछ ही समय में टोटल 27 के नंबर में नई सबमरीन्स को तैयार किया जाएगा, जिसमें बड़ी बात ये थी कि 6 की संख्या में SSN क्लास सबमरीन्स होने वाली है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, और इन्हें 3-3 के बीच में 2 बार इंडक किया जाएगा। तो इस तरह से जो 6 की रिक्वायरमेंट है भारतीय नौसेना को, वो हमारी पूरी हो जाएगी। ये जो SSN होती है, ये भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में भी शामिल होंगी और वहां पर इसे सुरक्षा प्रदान करेगी, और साथ ही ये सीक्रेट मिशंस पर जाकर दुश्मनों के नेवल वेसल्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। अब हम सभी जानते हैं कि इसके लिए भारत काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है और अलग अलग माध्यमों से, कभी अमेरिका तो कभी फ्रांस के साथ इसको लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका की तरफ से तो हमें क्लियरली मना कर दिया गया था। उस समय जब हम लोगों ने अमेरिका के साथ इसको लेकर डिस्कशन किया था, तो सीधा सा बयान आ गया था कि ये टेक्नोलॉजी तो हमने हमारे सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर यानी UK तक को नहीं दी, तो भला आपको कैसे दे सकते हैं, तो इसको लेकर किसी तरह की कोई डील नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास खुला था और वो ऑप्शन था फ्रांस का। अब हम सभी जानते हैं कि फ्रांस हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसके अतिरिक्त फ्रांस को इस तरह की डील करने की आवश्यकता भी है। इस समय फ्रांस नो डाउट डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर रह देकर देखें तो रफाल एकमात्र ऑप्शन है उसके पास। दूसरी कैटेगरीज में उसके डिफेंस एक्सपोर्ट उस लेवल के नहीं हो रहे हैं, और जो सबमरीन की डील उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, वो भी अमेरिका और UK की वजह से उसके हाथ से चली जाती है, जिससे उसे अच्छा खासा नुकसान भी होता है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए वो भी भारत SSN प्रोजेक्ट के ऊपर देख रहा है, जिसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जाता है। अब मैंने आपको बीच में कई सारे वीडियोस बनाकर इस तरह की जानकारियां दी थी कि भारत का जो SSN का प्रोग्राम है, इसको लेकर भारत के NSA अजीत डोभाल साहब काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और फ्रांस के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार फ्रांस का विजिट भी किया NSA अजीत डोभाल साहब ने, और कई अलग अलग मौकों पर फ्रांस की तरफ से डायरेक्टली ऑफर भारत को दिया गया। फ्रांस अपनी बाराकुडा क्लास सबमरीन की टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करने के लिए इच्छुक है। उसमें जितनी भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, उन सभी का हस्तांतरण वो भारत को करने के लिए तैयार है। अगर आपको इस बात को समझना है कि ये किस तरह का मामला होगा, तो आज से कुछ सालों पहले ब्राजील और फ्रांस के बीच में इस तरह की डील हुई थी, और ब्राजील के लिए सबमरीन तैयार की गई थी जो कि नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार की गई थी। इन्हें अल्वोरो अल्बर्टो नाम दिया गया था। तो कुछ उसी तरह से ये हमें टेक्नोलॉजी सौंपने के लिए तैयार है। फ्रांस की तरफ से भी कई बार ऑफर दिया गया, दोनों पक्षों के बीच में बैठकर भी बातचीत हुई, और रिसेंट अगर इवेंट देखें तो भारत के NSA द्वारा फ्रांसीसी NSA के साथ पम जेट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर भी बातचीत की थी। अब बताया जा रहा है किसी को लेकर सकारात्मक खबरें निकल कर आ रही है, और फ्रांस भारत को सभी तरह की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, और अंततः अब हमारे SSN की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसके संकेत पर अब देखने के लिए ये मिला है कि 2028 से भारत की पहली SSN के लिए भारत के अंदर लोकली ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा, यानी तब तक हम लोग सारी डील्स वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी वो ले चुके होंगे, एंड डेफिनेटली इससे पहले हम लोग हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर भी तैयार कर चुके होंगे, और उसके बाद 2028 से फाइनली इस काम को हम लोग शुरू कर देंगे। तो इससे पहले हम लोग डेफिनेटली इसके डिजाइन फेज वगैरह को तैयार कर चुके होंगे, तो 2026 तक ये सारे मामले हमारे सुलझ जाएंगे और 2028 से सबमरीन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शुरुआती बैच में जो 3 सबमरीन होगी, इनका डिस्प्लेसमेंट वेट होगा 5000 से लेकर 6000 टन के बीच में, और इसके बाद का जो बैच होगा उसमें इन सबमरीन्स की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। इनका डिस्प्लेसमेंट वेट 10000 टन के अबाव जाएगा, और इनकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल्स वगैरह सारी कुछ चीजें इंटीग्रेट की जाएगी, और हमारी नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट जो SSN के लिए है वो पूरी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आज से 2 महीने पहले जब भारत के NSA द्वारा फ्रांस के NSA से जो बात की गई थी पमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर, तो वो बातचीत सकारात्मक साबित हो रही है। तभी फ्रांस इसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। पमजेट प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी सबमरीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह आपकी सबमरीन को एक स्टेल्थनेस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये वाटर फ्लो का मैनेजमेंट काफी स्मार्टली करता है, जिससे आपकी सबमरीन बिल्कुल साउंड प्रूफ बन जाती है, बिल्कुल भी एबनॉर्मल साउंड क्रिएट करती ही नहीं है। इस वजह से जो समुद्री रडार सिस्टम होते हैं, जिन्हें सोनार कहा जाता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते आपकी सबमरीन को, और किसी भी SSN के लिए इस तरह की स्टेल्थ प्रॉपर्टी होना बहुत अनिवार्य है, ताकि अपने मिशन के दौरान किसी भी तरह से दुश्मन उसे ट्रैक न कर पाए, उस पर किसी तरह का जवाबी हमला न कर पाए, और ये साइलेंटली अपना काम लगातार करती रहे।
तो अल्टीमेटली एक और हमारा जो सबसे बड़ा गोल था उसके हम लोग काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और इस तरह से एक एक करके हम लोग हमारे उन सारे प्रोजेक्ट्स को 2035 तक कंप्लीट कर लेंगे जिनके लिए तैयारियां आज हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत टोटल 27 के नंबर में भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।